हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो। एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसा सेटिंग लेकर आया हूँ जिस सेटिंग को एनेबल करके आप आपके वाईफाई कनेक्शन में जितने भी लोग क्या क्या खोल रहे हैं, कौन सी वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं, वो सारा का सारा सामान जो है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो भाई चलिए, अगर ये सेटिंग एनेबल करने से पहले भाई आपके पास थोड़ा सा अच्छा सा टीपी लिंक का या दूसरा कोई राउटर होना चाहिए। अलग अलग राउटर में अलग अलग सेटिंग हो सकता है, तो आप उसका ट्यूटोरियल अलग अलग देख लेना अगर ये आपको सेटिंग इनेबल करना है। तो चलिए सबसे पहले मेरे पास टीपी लिंक का राउटर है A6, आर्चर A6, जिसमें मैंने ये सेटिंग फाउंड किया है और एकदम बढ़िया काम करता है। आपके वाईफाई कनेक्शन में कौन सी डिवाइस, कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, कौन से लोग, वो सारा का सारा ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है राउटर के पेज में। तो भाई आपका राउटर का मेन आईपी एड्रेस है वो आपको टाइप करना पड़ेगा। पिंग टूल डाउनलोड करके स्कैन कर लीजिए और सबसे पहला जो आपका राउटर होगा उसमें आईपी एड्रेस लिखा होगा, वो आईपी एड्रेस आपको टाइप करना है ब्राउजर में। तो भाई चलिए एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ। अभी आपको यहाँ से क्या करना है कि यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ही खेल शुरू होता है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ऐड बटन आ रहा है, ऐड पे जाना है और यहाँ पे कोई भी एक नेम दे दीजिए। और यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे डिवाइसेस है, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड करना है और कौन से डिवाइस को आपको ट्रैक करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई मैं अपना कंप्यूटर ही सिलेक्ट करता हूँ। तो ये रहा मेरा कंप्यूटर ध्रुव पीसी। तो यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। ओके, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। और आप यहाँ पे कोई एक वर्ड जो है वो ब्लॉक करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फेसबुक आपने टाइप कर दिया तो फेसबुक से रिलेटेड या फेसबुक की वेबसाइट सारी की सारी ब्लॉक हो जाएगी। और यहाँ पे कोई करना नहीं है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से भी मैं सेव मार देता हूँ। तो अभी ट्रैकिंग जो है वो शुरू हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक वेबसाइट खोलता हूँ, मैं अमेज़ॉन खोल लेता हूँ। चलिए मैंने अमेज़ॉन थोड़ी सी ब्राउज कर लेता हूँ। अभी देखते हैं अभी आपको कौन सी वेबसाइट ओपन हो रही है वो कहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइट्स, तो इनसाइट्स में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी मेरे कंप्यूटर के थ्रू वेबसाइट ओपन हो रही थी रियल टाइम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अमेज़ॉन वेबसाइट जो है वो मैंने ओपन की थी और ढेर सारी दूसरी वेबसाइट है वो आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कौन सी वेबसाइट ओपन हुई थी। तो चलिए भाई मैं कोई दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये लिंक्डइन। थोड़ा सा मारते हैं, ब्राउज करते हैं और देखते हैं। वैसे मैं लिंक्डइन पे हूँ, ध्रुव जोशी नाम है, वहाँ पे आप कनेक्शन ऐड कर सकते हैं उसमें। तो ये ब्राउज कर ली अच्छी तरह से और अभी क्या करना है, फिर से मैं जाता हूँ और देखते हैं उसमें आई, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिंक्डइन वेबसाइट यहाँ पे ट्रैक हो गई है। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। अभी कोई एक फाइनल वेबसाइट में ट्रैक करके हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अली एक्सप्रेस में भाई कोई टेक का सामान देख लेते हैं टाइम पास ब्राउज के लिए। तो ये हमने ब्राउज कर लिया और अभी क्या करना है, फिर से इनसाइट में जाना है, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अली एक्सप्रेस की वेबसाइट यहाँ पे ट्रैक हो चुकी है। तो यहाँ से आप कौन सी वेबसाइट आपके डिवाइस कोई भी डिवाइस में से कौन से वेबसाइट ओपन हो रही है रियल टाइम में वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ही सारा काम आने वाला है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही प्लीज़ आप इसको काम में लेना। तो चलिए इसके बारे में कोई सवाल हो तो भाई बिना झिझक के कमेंट डाउन करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो पहले भाई ये चैनल को करके जाना। तो चलिए अगले वीडियो में थे, इस ऐसे कोई ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो भाई प्लीज़ कमेंट डाउन करना, मैं आपको बना के दे दूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।